पटना का प्रसिद्ध महेश्वरी देवी मंदिर। तो हमको यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे दिख गया, तो हमने कहा थोड़ा सा खा लिया जाए। शॉप दिख गया रोड में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये मेरा पहला ब्लॉग है, पता नहीं कैसे होगा लेकिन काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरे फ्रेंड ने कुछ वस्त्र लेने थे तो मुझसे बोल रहा था कि भाई चलना है तेरे, मुझे कपड़े दिला देना। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, बहुत ही दिन बाद में निकला भी नहीं काफ़ी दिन घर से, तो मैंने कहा चलो इस बार में घूम भी लेंगे। सो यार दोस्तों मैं तैयार हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर, उसको मैं पिक करूँगा, फिर वहाँ से हम मार्केट जाएंगे। सो गाइस यार हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जैसा कि मेरा फ्रेंड है और हम इसके घर पे हैं अभी, तो अब निकल रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए। सो चलिए आपको दिखाते हैं बांदा की मार्केट। सो गाइस यार अपन लोग निकल चुके हैं बाज़ार की ओर, जैसा कि मैं और मेरा दोस्त। सो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो गाइस यार अपन आ गए हैं बाज़ार और यहाँ पर है बांदा का प्रसिद्ध महेश्वरी देवी मंदिर। इसका मैं पूरा ब्लॉग आपको दिखाऊंगा किसी दिन। और यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक वगैरह लग जाता है लेकिन ये तो इंडिया में सब जगह लागू है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉप हैं जैसे कि आप कुछ अच्छे कपड़े ले सकते हैं, लेकिन अपन लोग जा रहे हैं वन इंडिया मॉल की तरफ। तो आई होप गाइस आप लोग ब्लॉग थोड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। सो अपन जा रहे हैं वन इंडिया मॉल की तरफ। तो दोस्तों ये है वन इंडिया मॉल की रोड। तो यहाँ पर कुछ शूज़ की दुकान है, कुछ मतलब सब शॉपें हैं यहाँ पर, और कुछ वॉच वगैरह भी ले सकते हैं आप, अच्छी मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये रिक्शे वाला बहुत परेशान कर रहा है, बार बार आगे आ जाता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर जैन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप जैसे भूख लगे तो आप खा सकते हैं कुछ खाना वगैरह। और दोस्तों यहाँ पर आ गए वन इंडिया मॉल, तो अपन गाड़ी पार्क कर देते हैं और दिखाते हैं वन इंडिया मॉल के अंदर का नज़ारा। चलिए दोस्तों देखते हैं वन इंडिया मॉल का नज़ारा। सो यार यहाँ पर मेरे दोस्त को कुछ पसंद नहीं आया है, तो अब हम जा रहे हैं दूसरे मॉल। सो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा एंड वीडियो चलेगा तो हम लाइक जरूर करिएगा। सो मैं बने रहिए ब्लॉग पर, चलिए जाते हैं हम लोग दूसरे मॉल। सो गाइस यार अपन बढ़ रहे थे वी मार्ट की तरफ, जैसा कि तो हमको यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे दिख गया, तो हमने कहा थोड़ा सा खा लिया जाए। दोस्तों ये समोसे की दुकान महेश्वरी देवी मंदिर के पास है, काफ़ी फेमस है, धुरिया स्वीट हाउस करके है नाम। सो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। सो बहुत काफ़ी टेस्टी होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो हम लोग खा कर निकलते हैं वी मार्ट की तरफ। सो गाइस यार अपन पहुंच गए हैं वी मार्ट, तो देखते हैं कुछ मिल जाता है अच्छा सा तो ले लेते हैं। सो बने रहिए आप ब्लॉग पर। दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर कुछ शर्ट का सेक्शन है, तो मेरे दोस्त को शर्ट एक दिन पसंद कर गया था वो, तो सोच रहा है दोबारा ले लूँ, तो देखते हैं वो कैसा शर्ट वगैरह अच्छा होता है तो ले लेंगे। सो आप लोग ब्लॉग को इन्जॉय करिए। सो यार जैसे कि हम वी मार्ट आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम ये वी मार्ट कुछ ये इसको शर्ट पसंद आ गई थी काफ़ी दिन पहले, ये देख गया था, तब ये ट्राई करेगा कैसे क्या है, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस यार अपन ने कुछ शॉपिंग कर ली है, तो अब जा रहे हैं हम लोग अपने घर की ओर। सो यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है, घर जाते हुए देखिए जैसे कि देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी अच्छा है, बारिश होने की संभावना भी हो सकती है। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं घर की ओर। सो गाइस यार हम लोग जा रहे थे घर की ओर, तो हमको ये आइसक्रीम का शॉप दिख गया रोड में।
तो हमने कहा चलो खा लिया। ये है मेरा बटर स्कॉच और ये भाई का चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बटर स्कॉच। सो मैंने भाई से कहा भाई थोड़ा टेस्ट करा दे, तो कह रहा नहीं, मतलब ठीक कोई बात नहीं भाई। सो यार यहाँ पर भाई ने ली है ये टी शर्ट, काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है सही लग। सो यार दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये भैया का ऑफिस है, मैं भैया को लिवाने आया हूँ, अब हम जा रहे हैं घर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।